बिहार के गया से बड़ी खबर आ रही है। गया के जीबी रोड स्थित बर्नवाल मेडिकल में ड्रग इंस्पेक्टर व अपर समाहर्ता सदर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। सूचना मिली थी नकली सैनिटाइजर और यूज्ड मास्क का बिक्री किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान यूज किया हुआ मास्क बरामद किया गया है। गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह के निर्देश पर की गई छापेमारी में गया के कोतवाली थाना की पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर ने संयुक्त छापेमारी की। इस संदर्भ में राजीव रोशन अपर अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने बताया कि सूचना मिली थी नकली सैनिटाइजर यूज किए हुए मास्क की बिक्री की जा रही है। वर्णवाल मेडिकल स्टोर में विक्रेता से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मास्क मेरे शॉप में नील है, जबकि मेडिकल स्टोर में सैनिटाइजर एवं मास्क रखना अनिवार्य है और उचित दरों पर बिक्री करना है। COVID-19 को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जिन वस्तुओं को अधिसूचित किया गया है उसमें मास्क और सैनिटाइजर को लेकर के ये कार्रवाई की गई है। मास्क जो है सो उसकी कालाबाजारी नहीं करनी है और जो आम जनता है उसको मास्क और सैनिटाइजर उनके उचित कीमत पर मिले, इसी चीज़ के रिगार्डिंग जो है सो ये कार्रवाई की जा रही है। क्या यहाँ कमी आपको मिली? कमी के रूप में यह देखा गया कि मास्क जब इनसे मांगा गया तो इनके द्वारा मास्क ना होने की बात बताई गई, किंतु छापेमारी के दौरान इनके द्वारा मास्क पाया गया है। और दूसरी कमी ये थी कि इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये यूज किया हुआ कुछ मास्क है, तो इनके द्वारा यूज किए गए मास्क को जो फ्रेश मास्क हैं उनके साथ मिला के रखा गया है जो हाइजेनिक के लिए उपयुक्त नहीं था। क्या आपको लगता है ये यूज किया मास्क कालाबाजारी किया जा रहा है? इस संबंध में कार्रवाई जारी है, अंतिम कार्रवाई होने तक परिणाम की अपेक्षा रहेगी। जी, अपना परिचय, अपर अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया, राजीव रोशन, धन्यवाद। क्या क्या प्रिकॉशन कोरोना वायरस को लेकर किया जा रहा है? देखिए, कोरोना वायरस के लिए औषधि नियंत्रण प्रशासन के द्वारा है ना मास्क और सैनिटाइजर के पर्याप्त व्यवस्था की जो है ना सभी मैंने थोक विक्रेताओं से आग्रह और अनुरोध किया गया है। और जो है 24 घंटे के अंदर है ना सारे दुकानों में है ना निर्देश दिया गया है कि पूरे ज़िले में सारे दुकानों में सैनिटाइजर की जो है उपलब्धता हो जाए। यदि दुकानदार सैनिटाइजर और मास्क नहीं उपलब्ध करते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे? तो जो है विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करें। अपना परिचय? अशोक यादव, औषधि निरीक्षक सदर अनुमंडल गया।